दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कंटेनमेंट जोन पर और शिकंजा कसने की तैयारी, पुलिस को मिली 5 रिजर्व फोर्स। परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित, 79 व्यापारियों के कोविड सैंपल में 5 पॉजिटिव। 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीडीओ ऑफिस बंद, 2 दिन नहीं खुलेगा ताला। होमगार्ड की तबीयत बिगड़ने से मौत, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। झील में डूबे 2 युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर, नाव पलटने से हुआ था हादसा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार एवं उच्च न्यायालय के नए निर्देशों के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन में सख्ती का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर कदमताल तेज कर दी गई है। पिछले कुछ समय में कंटेनमेंट जोन में हुए नियमों के बेतहाशा उल्लंघन के बाद प्रशासन की नींद टूट चुकी है। अब कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर संक्रमित लोगों या उनके संपर्क में आए अन्य लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी, जिसके चलते जिला ऊना पुलिस को 5 नई रिजर्व फोर्स दी गई है। देखिए, सरकार और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके मद्देनजर पुलिस हेडक्वार्टर में DGP साहब ने हमको आदेश दिए कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं डिक्लेयर की गई, उनको उनमें अगर लोगों की आना जाना बाहर है या वो वायलेट कर रहे हैं उसको, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर डिप्लॉयमेंट करके, एडिशनल फोर्स की डिप्लॉयमेंट करके जो है उसको मैनेज किया जाए। इसके मद्देनज़र हमको हमने पुलिस हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट किया था कि हमको एडिशनल फोर्स दी जाए। ऊना ज़िले में पिछले हफ्ते तक यानी शनिवार तक लगभग 110 जो है एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स थी, तो उसमें अगर मिनिमम भी हम 2 या 3 लोगों को मान के चलें तो हमने लगभग 8 रिजर्व की रिक्वायरमेंट की थी। 5 रिजर्व जो हैं यानी लगभग 150 के आसपास लोग जो हैं जो हमारे पास यहाँ आ चुके हैं और उनको हमने डिप्लॉय भी किया है और उनकी मदद से जो है हम इसको मैनेज कर रहे हैं। हम SHOs को मैंने डायरेक्ट भी किया था कि SHOs और SDPOs जो जितने भी हैं कि वो लोकल प्रधान और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो पंचायत लेवल पे या म्यूनिसिपल लेवल पे हैं उनको भी एसोसिएट करें, क्योंकि उनका भी दायित्व जो है लेटेस्ट डायरेक्शंस के हिसाब से बनाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति वायलेट करता हुआ पाया जाता है जो कंटेनमेंट जोन में होना चाहिए पर नहीं बाहर निकल रहा है, तो वो हमको इन्फॉर्म करें और हम उन पर एक्शन लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं हमने, चाहे वो प्रधानों के हों या फिर उन लोगों के जो समारोह, शादी समारोह या इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ताकि उनको हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहें कि आपके डायरेक्शंस क्या हैं सरकार की और क्या पीनल प्रोविजंस हैं, और साथ ही साथ वो हमको इन्फॉर्मेशन भी दें। तो इसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रधानों के साथ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के साथ मिल के जो है इसमें एक स्ट्रेटजी बना के एक्शन ले रहे हैं। DC साहब के साथ हमारी मीटिंग रेगुलरली होती रहती है, तो कंटेनमेंट जोन्स को भी किस तरह से हम रैशनलाइज करें ताकि एक एरिया में बार बार बहुत ज्यादा कंटेनमेंट जोन ना बने। नोहराधार में 12 कोरोना सैंपल लिए गए, जिनमें एक ही परिवार के 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 दिन पहले एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके संपर्क में उक्त व्यक्ति की पत्नी व 2 बेटियां मंगलवार को पॉजिटिव पाई गई। अब एक ही परिवार में 4 लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं व्यापार मंडल संग्रहा में 79 व्यापारियों के कोरोना संक्रमण की जांच की गई, इनमें से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमण को बढ़ता देख व्यापारियों के संपर्क में आए क्षेत्र के लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। जिला सिरमौर के राजगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासखंड कार्यालय राजगढ़ में 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन द्वारा कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब बाकी सभी कर्मियों को टेस्ट करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। BDO राजगढ़ रमेश शर्मा ने बताया कि कार्यालय के सभी 25 कर्मियों के कोविड सैंपल ले लिए गए हैं और एहतियात के तौर पर कार्यालय को सैनिटाइज कर 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले पुलिस चौकी चायल में तैनात 35 वर्षीय गृह रक्षक हवलदार पवन कुमार की तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार रात मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाने से पहले हवलदार का कोरोना टेस्ट लिया गया था जो कि नेगेटिव पाया गया। बता दें कि पिछले 2 दिन पहले उक्त हवलदार को बुखार हुआ था, जिसके बाद इसे चायल अस्पताल में चेकअप करवाया गया,
इसके बाद रात्रि को पवन अपने बिस्तर में सोने गया तो अचानक उनकी तबीयत खराब होगी। पुलिस द्वारा उसे चायल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के तहत गोविंद सागर झील में हुए हादसे ने क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार बाद दोपहर हुए इस दर्दनाक हादसे में नाव पलटने से एक युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई, वहीं तीन युवक गहरे पानी में डूब गए, जिनमें से एक युवक का शव मंगलवार देर सायं बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य दो युवकों की तलाश के लिए बीबीएमबी के गोताखोर आज सुबह ही जुट गए। प्रशासन के साथ झील में डूबे दोनों युवकों के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। बॉडीज की तलाश के लिए जो है वो गोताखोर जो प्रयासरत हैं, और अभी तक ये ऑपरेशन जो 9 बजे शुरू हुआ था, अभी तक तो इनको सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन जो गोताखोर की टीम है वो 5-10 टीम है, इसके सर्च अभियान जो है वो जारी है। जो बंदा तैर के आया ना वो भी परे पहुंचा जी जी, नाप भी खींच के परे की हुई है जी जी, और जो बॉडी मिली है वो भी हमें वहाँ मिली है। हाँ जी हाँ जी, फिर लेके आए थे। इस तरफ का नहीं लगता है? नहीं सर, यही लोकेशन है इस चीज की ना, ये वाला एरिया, यहीं से ही किश्ती को लेके आए थे। डेड बॉडी भी किश्ती के पास ही पड़ी हुई, बिल्कुल पुट्ठी पड़ी हुई थी ऐसे नहीं, तो फिर वो दो आदमी और थे लड़की, वो लेके आए इधर इसको। जी जी, वही एरिया सच बात है।